मैं हूं आरजे आलोक और इस समय मेरे दो होनहार बेहतरीन एंड ऑसम स्टार्स नाम बता दें आप पहले जल्दी से। मेरा नाम है आदर्श। पैसे अभी दे दो, दो हफ्तों में मेरी पेशी है। लॉय दीदी बोलिए, इस बारी पक्का छूट रही हूँ। 100 ट्रायलों को पैसे कमाना अलाउड नहीं है, फिर भी यहाँ तो अपनी दुकान खोल के बैठी हुई है। बताओ भी वार्डन को। साली छोटी पकड़ पति को। आलिया एंड आदर है मेरे साथ। कुछ ऐसा ही धमाल होने वाला है कैदी बैंड के साथ। जब ये स्क्रिप्ट आई और आलिया आपको पता चला कि आदर के साथ इस फिल्म में काम करना है, क्या अनुभव था? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब आदर आए थे मैंने सुना था थोड़ा इनके बारे में, क्योंकि मेरी फ्रेंड धर्मा में काम करती है एक्चुअली, तो मुझे लगता था अच्छा ये कपूर खानदान से शायद थोड़ा स्नोबिश होगा, पता नहीं मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, लाइक डोंट टेल मी, लेकिन कंप्लीट ऑपोजिट था एक्चुअली। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्राउंडेड बंदा है, वेरी हेल्पफुल, वेरी जेन्युइन एज अ पर्सन, बहुत मजा, वेरी फनी, बहुत मजा। कैसे हुआ आदर? मतलब ऐसा कपूर खानदान में ऐसे हार्डली 2-3 लोग हैं जो इस मिजाज के हैं। सब लोग हैं ऐसे यार। एक रणबीर है, एक आप जो हबल है। हाँ, सब लोग हैं ऐसे। ऋषि सर तो पीट देते हैं सामने आकर। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला, मुझे तो दिखाओगे यार। कोई नहीं पूछेगा। नहीं लेकिन नहीं, अच्छी आई थिंक सब लोग ऐसे ही हैं। एवरीवन वेरी बिग हार्टेड, एवरीवन वेरी लाउड, वेरी ओपिनियनेटेड, सो समटाइम्स मतलब डांट लेते हैं, बट इट्स ओके। फ्रॉम माय नाना जी टू नाउ आई थिंक एवरीवन फॉलो द सेम थिंग। माय नाना जी बिलीव दैट ह्यूमिलिटी इज द ग्रेटेस्ट वर्चू इन द वर्ल्ड, सो वी ऑल फॉलोड हिज वैल्यूज और आज मैं भी उनकी वजह से। ओके, गाना काफी फेमस हो चला है अभी, आई एम इंडिया। यस, तो दो दो लाइनें आप लोग गुनगुना दें एक के साथ। ठंडी ठंडी मटके की कुल्फी हूँ मैं, ये कुल्फी की सोने तू मिठास इंडिया, आई एम इंडिया, तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है और इंडिया, आया माया माया। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखी है ट्रेलर और I mean, who are we to comment? हाँ, बहुत I wish them luck as well. Both wish them luck and I wish them luck. आप जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको आप हमें बता सकते हैं कितना सिमिलर है या कितना डिफरेंट है। एंड चलते चलते कुछ फेवरेट वर्ड्स आपके फैंस के लिए आने हैं। I would say please dream big and follow your dreams but just be a little patient.